राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अपनी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना पर निशाना साधा। मलिक ने एक्ट्रेस से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। मलिक ने कहा, कंगना ने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब अयोध्या नेशन वुड इन अवर टाइम्स पर मध्य प्रदेश में बैन लगाया जाएगा। राज्य के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इस पर कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी। कांग्रेस नेता सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। खुर्शीद ने अपनी किताब के चैप्टर द सैफ्रन स्काई में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISISI बोको हरम से की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार सुबह हिजबुल मुजाहिदीन का एक और आतंकी ढेर। चावल गांव इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी मारा गया। उसके बाद से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। इससे मिलाकर हिजबुल के दो आतंकी मारे जा चुके। देश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर को लेकर पॉलिसी जल्द जारी की जाएगी। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर NK अरोरा के टाइम्स ऑफ इंडिया को जानकारी दी। कहना है उनका, ये पॉलिसी अगले 10 दिन में आ सकती है। इसमें उन लोगों की कैटेगरी बताई जाएगी जिन्हें तीसरा डोज देने में प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज। नए केस में 10 से 20 हजार मामले के आसपास आ रहे। देश में बीते 24 घंटे में 12,516 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 13,878 मरीज रिकवर। इस दौरान 501 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25 करोड़ 26 लाख। महामारी से अब तक कुल 48 लाख से ज्यादा की मौत। 7 अरब 36 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। अफगानिस्तान में शुक्रवार को फिर एक बार मस्जिद को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के स्पिन घर की एक मस्जिद में हुए ब्लास्ट में मौलाना सहित करीब 12 लोग घायल। धमाका मस्जिद के अंदर किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का निशाना बनाया जा सके। 17 नवंबर से भारतीय टीम न्यूजीलैंड से घरेलू सरजमीं पर भिड़ेगी। इस दौरान दोनों टीमें 3 T20 मैच और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगी। पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं। अजिंक्य रहाणे टीम की कमान संभालेंगे। चेतेश्वर पुजारा को टीम का उपकप्तान बनाया। विराट कोहली दूसरे टेस्ट मैच में टीम के साथ जुड़ जाएंगे और कप्तानी संभालेंगे। सोने चांदी के दामों में शुक्रवार को फिर से बदलाव। जहां सोने के दाम आज कम हुए वहीं सिल्वर के रेट बढ़े। ऐसे में जो लोग सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। 999 प्योरिटी वाले 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 49,243, साथ ही 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 67,016। 3 दिनों तक लगातार गिरावट के बाद शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। BSE का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 767 अंक चढ़कर 60,686.69 के लेवल पर हुआ बंद। NSE का निफ्टी 229.15 या 1.28% की तेजी के साथ 18,102.75 पर हुआ बंद। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी IT स्टॉक्स में देखने को मिली।